अनस्टेबल क्यों है उसका रीजन देखना। यहाँ पे ये जो रहेगा ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, sp कार्बोकैटायन, ये हाईली अनस्टेबल है, मैंने स्टार्टिंग में लिखा के दिया था, ये हाईली अनस्टेबल है। फिर नेक्स्ट ये वाला पार्ट, रिंग स्ट्रेन के वजह से ये जो ब्रिज वाला एटम मतलब कार्बन रहेगा इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या रहेगा, नॉन प्लेनर रहने के वजह से ये बराबर से डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा। एंड जो लास्ट वाला है तो यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेन, ठीक है, रिंग स्ट्रेन हाई है इसमें, रिंग स्ट्रेन के वजह से जो कार्बन रहेगा, कार्बन इज नॉन प्लेनर, ठीक है, स्ट्रक्चर पूरा नॉन प्लेनर रहने के वजह से चार्ज इज नॉट डीलोकलाइज्ड प्रॉपरली, नॉट डीलोकलाइज्ड प्रॉपरली। फिर यहां पे ये क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, ये तो आपको उसमें लिखा के दिया था, 4π इलेक्ट्रॉन्स है, 4π इलेक्ट्रॉन्स हकेल्स रूल फॉलो नहीं करता है, वैसे एंटी एरोमेटिक रहेगा। इनका मतलब ये सब अनस्टेबल ही आपको। फिर एक नोट करके लिखना, नोट करके लिखो, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ना, जरा ध्यान देना, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये जो रहेगा ये किससे ज्यादा ये रहेगा, फिनाइल जो कैटायन है इससे हाईली स्टेबल रहेगा सबसे पहले, दूसरा एंड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर एक CH2 डाल देना बस, इधर एक CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे लिख दो CH2, CH2 लिखना, और इस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। ट्रॉपीलियम, इसको ट्रॉपीलियम बोलते हैं, मैंने पहले बताया नहीं था, इसको ट्रॉपीलियम आयन बोलते, याद रखना टर्शियरी साइक्लोप्रोपीलीन ये ज्यादा स्टेबल रहेगा ट्रॉपीलियम, इधर रेजोनेंस कुछ ज्यादा ही रेजोनेंस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट लिखो फॉर एनायन लिखना, तो हमने पहले कैटायन के लिए किया था, फॉर एनायन लिखो। अब एनायन में आप लोग खुद नीचे रीजन लिखना क्यों ये ज्यादा स्टेबल है, आप खुद से ट्राई करो रीजन लिखने। ठीक है, इसको आप पीएच ग्रुप भी बोलते हो, अभी मैं वापस वापस नहीं बनाऊंगा,
पीएच का मतलब जरा समझ लेना क्या है। चलो तो फर्स्ट वाले में क्या रीजन है ज्यादा स्टेबल रहने का, क्या क्या रीजन रह सकता है? 6 pi इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, 6 pi इलेक्ट्रॉन है इसमें। फिर तो क्या रहेगा, 6 pi इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये एरोमेटिक रहेगा। एरोमेटिक रहेगा प्लस इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने रहेंगे, कैसे मैंने बताया था करने के लिए 5 रहेगा ना, क्योंकि 5 कार्बन। चलो अब ये वाला क्यों ज्यादा ये है, पहले चीज तो क्या हो रहा है इसमें, रेजोनेंस हो सकता है यहाँ पे? हाँ सर, होएगा रेजोनेंस सबसे पहले। दूसरा एक और चीज देखो, आपको बताया था मैंने कार्बन इस पे डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो अपने पास खींचेगा ना, और इसको तो वही चाहिए, इलेक्ट्रॉन जितना अच्छे से खींच पाएगा उतना बेटर। इधर माइनस एम इफेक्ट, ये माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप है इधर, सॉरी यहां पे इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये देखो, ये तो एसपी है, एसपी मतलब क्या रहेगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, कैसे, एस कैरेक्टर सबसे लेस। एंड देखो अगर मैंने फैक्टर्स डिसाइडिंग मैंने दिया था, तो फैक्टर्स डिसाइडिंग में क्या बताया था, एनायंस में एस कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा, ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो एस कैरेक्टर मोर। अब इधर बताओ यहां पे क्या हो रहा है, ये इसके कंपैरिजन में 2 pH और 1 pH के कंपैरिजन में क्यों ज्यादा है, क्या रीजन रह सकते हैं इसमें? सबसे ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, इसका मतलब सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन, इसका मतलब सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही इसके साथ होएगा ना, लास्ट में तो सिर्फ 1 ही इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो सबसे हाईएस्ट रेजोनेंस इसमें है एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर रेजोनेंस की वजह से। तो यहाँ पे लिखना 3 फिनाइल के साथ क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे बस 2 फिनाइल के साथ रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे बस 1 फिनाइल के साथ रेजोनेंस, तो जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। यहां पे भी रेजोनेंस रीजन है, किसके बीच में रेजोनेंस होएगा, डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में, ये आपने ऑलरेडी किया कॉन्जुगेशन के वक्त, ऑफकोर्स यहां पे भी होएगा रेजोनेंस ये वाले पे भी। अब बहुत जन को लगे कि नहीं छोड़, इस पे ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, याद कर लेना ये ऑर्डर। फिर यहाँ पे भी इस पे नेगेटिव चार्ज है। फिर हाँ चलो अब इधर से बताओ, पहले चीज इसमें एलाइलिक और विनाइलिक कौन रहेगा, ये फर्स्ट वाला एलाइलिक रहेगा, ये सेकंड वाला एलाइलिक रहेगा? फर्स्ट वाला एलाइलिक रहता है। डबल बॉन्ड को एक छोड़ के अगर चार्ज रहेगा तो एलाइलिक रहता है, सेम कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो क्या रहेगा, विनाइलिक।
तो याद रखना एलाइलिक हमेशा विनाइलिक से ज्यादा स्टेबल रहता है। ओके, अब यहां पे जरा आप लोग दिमाग लगा के बताओ, ये वाले पार्ट इधर आप लोग जरा दिमाग लगाओ, क्यों इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में? क्या रीजन रह सकता है? देखो ये जो आर ग्रुप्स है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब प्लस आई इफेक्ट देगा, तो ये नेगेटिव को और नेगेटिव बनाता है, इसके लिए ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है ये, लेकिन एज कंपेयर टू ये, एज कंपेयर टू ये, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो इसका प्लस एच इफेक्ट बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे तो जीरो अल्फा हाइड्रोजन है। एंड ये लास्ट में क्यों बता सकते हो इसका रीजन क्या रहेगा अनस्टेबल रहने का? क्या रहेगा अनस्टेबल रहने का रीजन? कितना पाई इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे? फोर। तो ये एंटी एरोमेटिक, लास्ट वाला फ्री रेडिकल के लिए लिखना, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल के लिए क्या क्या आएगा? सबसे फर्स्ट आने वाला है तीन फिनाइल ग्रुप, फिनाइल को पीएच लिखते हैं, इसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा स्टेबल रहेगा दो फिनाइल ग्रुप से, यहाँ पे बस एक हाइड्रोजन डाल दूंगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे पहले कौन आएगा, एलाइलिक आएगा कि विनाइलिक आएगा ज्यादा स्टेबल? तो ऑफ कोर्स एलाइलिक ज्यादा स्टेबल। फिर आएगा ये वाला पार्ट, इसके बाद आएगा आर सी एच आर, फिर दो ही आएगा, फिर इसके बाद आएगा आर सी एच टू, फिर आएगा सी एच थ्री। इसका बेसिकली जो ऑर्डर है ना ये नियरली इसके जैसा होता है, मतलब किसी जैसा कैटायन जैसा है, एंड एनायन का दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको एनायन का याद हो ये देखो एनायन वाला पार्ट है, अगर आपको कैटायन वाला पार्ट याद हो तो ये कैटायन वाला पार्ट। एंड ये तो आपको ऑफकोर्स पता है क्या कि एलाइलिक जो रहेगा ये क्या रहेगा विनाइलिक से ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो विनाइलिक क्या रहेगा डबल बॉन्ड और इसके ऊपर के कार्बन के ऊपर, इसको रटने का भी जरूरत नहीं है, अगर आपने कैटायन वाला पार्ट अच्छे से किया रहेगा तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। देखो ये तो आपने एनायन में ये ऑर्डर पढ़ा है, ये ब्रैकेट आपने कैटायन में पढ़ा, ये तो आपने दोनों में देखा है कि एलाइलिक विनाइलिक से ज्यादा स्टेबल रहता है, तो पहले के आठ तो ऐसे ही याद हो गए। फिर इसके बाद जो है दैट इज ऑफकोर्स इसके बाद क्या आएगा एराइल कैटायन, जैसे कैटायन में है एराइल कैटायन का स्टेबिलिटी सबसे लेस रहता है। फिर इसके बाद आता है सी ट्रिपल बॉन्ड, ये तो आपको पता है ये हाईली अनस्टेबल है, sp3 radical। ऑर्डर्स को याद करो बस उतना ही बोलना है, ना याद करोगे उतना आपको फायदा।